नगर निकाय चुनाव के बाद आखिर मतगणना का दिन भी आ ही गया। नगर पालिका लखीमपुर, नगर पंचायत खीरी और नगर पंचायत ओयल की मतगणना का काम लखीमपुर स्थित राजापुर मंडी में हुआ। 8 बजे शुरू होने वाली मतगणना के लिए प्रत्याशियों तथा उनके एजेंटों के आने का सिलसिला सुबह 6:30 बजे से ही शुरू हो गया था। चेकिंग के बाद सबसे पहले वार्ड संख्या 1 से 10 तक के प्रत्याशियों तथा उनके एजेंटों को जाने की अनुमति दी गई। मतगणना पंडाल में जाने से पहले प्रत्याशियों ने mylakhimpur3.com के पास आकर आ देखें जरा किसमें कितना है दम कहते हुए विक्ट्री का निशान बनाकर विरोधियों को ललकारा। 8 बजे स्ट्रांग रूम के ताले प्रत्याशियों की मौजूदगी में खोले गए। फिर सिलसिला शुरू हुआ मत पेटियों को मतगणना स्थल तक पहुंचाने का। खीरी नगर पंचायत के मतगणना का काम धीमा हुआ तो डीएम ने खुद मौके पर पहुंचकर काम को तेजी से शुरू करने का निर्देश दिया। इधर लखीमपुर नगर पालिका की चल रही मतगणना के दौरान एक प्रत्याशी की पुलिसकर्मी से झड़प हो गई जिससे कि माहौल में अफरा तफरी मच गई। शहर में 3 नगर निकायों का सदर खीरी और ओयल इनका यहां पर चालू है। मतगणना के चल रहे काम की ड्रोन कैमरे से भी निगाह रखी जा रही थी, बाहर खुले परिसर में भी और मतगणना पंडाल के अंदर भी। इधर नगर पालिका परिषद लखीमपुर की चल रही मतगणना के दौरान भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विनोद धौरारा की लगी सरकारी ड्यूटी पर विरोधियों ने एतराज जताया तो झड़प हो गई। अपना विधिवत काम कर रहा हूं। मैं 6 राउंड और 6 दस्तक गिनवाए के अपने दस्तक से जमा कर चुका हूं। 7वां राउंड जमा करने जा रहा हूं और मेरा मेरे साथ में बदसलूकी की जा रही। कौन कर रहा है बदसलूकी? कौन लोग थे? नहीं, जैसे कि मान लिया ये लोग थे, मान लिया वो अनजान थे, लेकिन क्या प्रशासन के लोग नहीं जानते हैं कि मैं लगातार काम कर रहा हूँ और मतगणना पर्यवेक्षक हूँ? वो हमको बाहर कर रहे हैं। गलत बात है। क्या कोई हाथापाई भी हुई आपके साथ? हमारे साथ में हाथापाई करने की हिम्मत ही किसी की नहीं। हाथ नगर पालिका परिषद लखीमपुर के मतगणना पंडाल में इस तरीके की अफरा तफरी कई बार मची और माहौल गर्माता भी दिखाई पड़ा। बहुत कम अंतरों से चल रहे खीरी नगर पंचायत के चुनाव मतगणना में भी अफरा तफरी का माहौल बना। जानकारी मिलने पर डीएम और एसपी भी मतगणना पंडाल पहुंचे। पालिका परिषद लखीमपुर के निर्मल नगर वार्ड से शत्रुघ्न लाल गुप्ता जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत के इस समय हमारे साथ में है और यहाँ विराजमान है। और mylakhimpurkheri.com प्रेजेंट्स कौन बना सिकंदर के पहले जो है यहाँ हकदार भी बने और बैठे हुए हमारे साथ। आप गुप्ता जी दूसरी बार यहाँ अपने क्षेत्र में चुनाव जीते हैं, इस बार आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, किन मुद्दों पे आपको जिताया गया? हमारी पहली प्राथमिकता है कि वार्ड का विकास, कच्ची गलियां, नाली नाला, सफाई व्यवस्था और बिजली व्यवस्था हमारा बिल्कुल विकास के ऊपर। अभी तक आपके यहाँ विकास की क्या स्थिति रही? विकास के हमारा नया वार्ड था, ये अभी नया परिसीमन में बना है, जो अर्जुनपुरवा का हिस्सा मिला है दुर्गापुरवा, ये बहुत खराब है। इसमें 15 साल से कौशल तिवारी थे लेकिन कोई भी काम नहीं करे। गुप्ता जी आपने बहुत सारी प्राथमिकताएं एक साथ गिना दी, ईश्वर करे आपको ताकत मिले इन सब समस्याओं से निपटने की। क्या भाजपा में जाने का मन है? भाजपा में थे और समय आएगा तो सोच विचार।
इससे अच्छा समय तो नहीं होगा कोई। मैं जो कोतवाली वार्ड से जीते हैं और जैसे ही बालिग हुए इस मैदान में कूद पड़े, समस्याओं के निपटारे के लिए प्राथमिकताएं रहेंगी, समाधान। पालिका परिषद लखीमपुर के वार्ड संख्या 6 शिवपुरी से विजयी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सुमित जायसवाल जी है। इनका नाम आगे का बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सुमित जायसवाल मोदी। मोदी जी बतलाइए, क्या कैसे आप समस्याओं का निपटारा करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम जो वार्ड है बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, उसमें अभी तक सारी रोडें नहीं, आज़ादी के बाद से अभी तक वहाँ रोडें नहीं कंप्लीट हैं, नालियों की सफाई नहीं हुई है, वहाँ पे गंदगी है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और जो पानी की सप्लाई है इसकी बहुत सारी दिक्कत है। तो सर्वप्रथम मैं नगर पालिका के माध्यम से उन समस्याओं को हल कराने का प्रयास करूँगा। शांतिनगर से शिव किशोर अवस्थी जी चुनाव जीत कर हमारे साथ इस समय हैं। आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, आपकी प्राथमिकताएं क्या रही, आपकी समस्याएं क्षेत्र की लोगों ने क्या बताई, कैसे आप दूर करेंगे? हमारे लिए क्षेत्र की समस्याओं के लिए, हम पहले चुनाव जब लड़े हुए थे तब भी हमने समाज सेवा की। हम बहुत गरीब प्रत्याशी हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया है हम उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि अभी उद्धार ही नहीं हुआ और बड़े बुजुर्गों ने लड़ाया है, चंदा देकर लड़ाया है, बस उन्हीं के उनकी समस्याओं के लिए मैं जुटता रहूँगा, अपने वार्ड के लिए बस मैं तत्पर तैयार रहूँगा, उनकी समस्याओं का ध्यान। अवस्थी जी, आपने कहा कि आप पैसे से आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है जी, तो आप अपने क्षेत्र के लोगों की जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे उनकी समस्याएं बहुत बेहतर समझते होंगे, उनके ऊपर विशेष ध्यान देंगे आप? जी, हम सबके लिए ध्यान। संख्या 14 गंगोत्री नगर से वंदना सिंह जी ने इस बार चुनाव मैदान में बाजी मारी है। ये बाजी केवल उनकी अपनी नहीं है, उनके परिवार में ये लगातार तीसरी बाजी मारी गई है। साथ ही में उनके पति संदीप सिंह जी हैं जो पिछली बार यहां से 2 बार लगातार वार्ड सदस्य रहे हैं। हम वंदना सिंह जी से पूछते हैं अपने पति के द्वारा किए गए कार्यों को आगे कैसे जारी रखेंगे, बताइए। बताइए चाचा का, बताइए, बताओ 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 बताओ। जो भी काम अधूरे रह गए हैं वो हम पूरे करें, बस वही काम। वंदना सिंह जी कह रही कि जो काम संदीप सिंह जी ने अधूरे छोड़े उनको पूरा करेंगे, तो हम संदीप सिंह जी से पूछ लेते हैं उन्होंने अधूरे छोड़े कौन कौन से काम। नहीं, अधूरे काम मेरे तरफ से कोई नहीं छोड़ेगा। जो पैसा कम मिला, 2-3 रोडें बची हैं पूरे वार्ड में, उन 2-3 रोडों को पूरा करने के बाद जो बिजली की व्यवस्था रह गई उसको कर देंगे, बाकी मेरे वार्ड में कोई काम नहीं रहा शेष। पालिका परिषद के वार्ड संख्या 20 नौरंगाबाद से चुनाव मैदान में बाजी मारने वाली निगार मैडम इस समय हमारे साथ में है, जिनके पति महबूब अली जी भी हैं, जो कि दोनों लोग कुल मिलाकर ये तीसरी बार इस मैदान में चुनाव बाजी मारे हैं। पूछते हैं कि अपने पति के और अपने कामों को आगे कैसे जारी रखेंगे? जैसे कि इंशाल्लाह ऐसे जारी रखेंगे और हमने बहुत काम किया है और इंशाल्लाह करते रहेंगे, अपनी समाज सेविका का हमने कर्तव्य निभाया है और निभाते रहेंगे। आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, इसीलिए जनता ने आपको तीसरी बार चुना, तो इस बार कुछ आपके विकास करने की स्पीड और तेज रहेगी जी? आप भी कुछ बोलिए। जो भी समस्याएं वार्ड की हैं या उससे संबंधित है तो उनको निभाने की कोशिश करेंगे। लखीमपुर के सिविल लाइन वार्ड से इस समय हमारे साथ विजयी प्रत्याशी अनिल शुक्ला जी हैं, पेशे से पत्रकार भी हैं, हमारे साथी भी हैं, लगातार यहाँ इस क्षेत्र से 3 बार जीत चुके हैं। लोगों ने उनसे विश्वास जताया तो अपेक्षाएं भी बढ़ गई। विकास कार्य हमारे वार्ड में ज़्यादा बचा नहीं है, खाली एक एरिया है, काशीराम आवास, काशीराम कॉलोनी जो सड़क से नीचे हुई है, कारण वहाँ पानी भराव बहुत रहता है। इसकी निकासी के लिए ये काम करके कर लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम होगा। परिषद लखीमपुर के अध्यक्ष पद पर रोमांचक मुकाबले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल कर ली। देर शाम को अभी परिणाम घोषित हुआ और सर्टिफिकेट मिलने के बाद निरुपमा मोनी वाजपेयी जी और डॉक्टर कौशल किशोर वाजपेयी जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे कहेंगे कि अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त करें। हमारे सभी जितने कार्यकर्ता है लोग हैं, कार्यकर्ताओं लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपका भी धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे इतने आदर सम्मान से जो है यहाँ पे बिठाया है। ये यहाँ पर आपको बैठाने का श्रेय मतदाताओं को है जिन्होंने बैठाला है, आप उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें, बस यही सब लोग चाह रहे हैं। mylakhimpurkhiri.com से संजीव पाहोर।